हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट नीटिंग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ये प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे शॉल में, स्टोल में, जैकेट में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, बेबी कंबल में, ब्लैंकेट बना सकते हो आप इसका। तो फ्रेंड्स, आप इसको, ये खुला खुला डिज़ाइन है, जिस नीडल में भी आप इसको बनाओगे इसकी हमेशा अलग लुक आएगी। अगर आपको शॉल या स्टोल में बनाना है तो फ्रेंड्स, आप थोड़ी सी मोटी नीडल ले लीजिएगा, जैसे 8 नंबर की, 7 नंबर की, तो और भी ये खुला खुला बनेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जैकेट में डालोगे तो आप इसको 9 या 10 नंबर की नीडल से बना लीजिए। तो देखिए, ये बहुत ही, ये मैंने 9 नंबर की नीडल में बनाया है, तो देखिए इसकी लुक बहुत ही प्यारी है। रोंग साइड से कुछ इस तरह से ये है, राइट साइड से इस तरह से है। तो इसका नीचे बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं। शॉल स्टोल आप बनाओगे तो आप इसको ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, मैं बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 4-4 के मल्टीपल में फंदे डाल के और 2 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं। और देखिए, मैंने सिंपल ये रॉन्ग साइड के फंदे डाल रखे हैं बेसिक रो बनाने के लिए। तो मैं एक इसकी, सबसे पहले एक इसकी मैं बेसिक रो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर रही हूँ। आप इस डिजाइन की राइट साइड या रोंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ऐसे ही नीचे से पैटर्न शुरू होता है। आप रोंग साइड से शुरू कर लीजिए या राइट साइड से। ये देखिए, ये मैंने एक इसकी उतार ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिए, ये हमारा एज स्टिच है, इसको हम उतार लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं, इसको थोड़ा सा आप लूज कर लीजिएगा। इन 2 फंदों का हमने एक बनाना है। ये देखिए, फिर हम धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, एक बार हम और घुमाएंगे। ये देखिए, ये हमने, हमारे यहाँ पे ये हमारा एज स्टिच है, ये हमने 2 का 1 किया है, ये एक और ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। देखिए, अब ये आगे वाला फंदा हमने पलट के सीधा करना है, इसको हर बार आपको सीधा करना है। और बैक साइड से निडल डाल के और इसको हम ऐसे बना देंगे। ये देखिए, यही 4 फंदों का डिजाइन आपको आगे रिपीट करना है। इसको, फंदे को थोड़ा सा लूज कर लेंगे। देखिए, फिर से ध्यान से 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, एक बार और घुमाएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से निडल डाल के और ये 2 का 1 बना देंगे। फिर से देखिए, इन फंदों का 2 का 1 बनाएंगे, धागा आगे 2 बार घुमाएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से निडल डाल के इसको बना देंगे। ये देखिए, यही 4 फंदों का हमारा डिजाइन बार बार हमने रिपीट करना है। जितने भी आपने फंदे डाल रखे हों, ये देखिए, 2 का 1 करेंगे, 2 बार धागा घुमाएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से निडल डाल के
दो का एक बना देंगे। ये एज इट इज है, इसको ऐसे ही बना देंगे। देखिए अब आ गए हम सेकंड सिलाई में, तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, ये हमने उल्टा बनाया, इसको भी हम बना लेंगे। अब ये देखिए, ये हमने क्या करना है, धागा पीछे करना है। ये जो दो बार हमने धागा लपेटा था, इसमें हमने दो फंदे बनाने हैं, तो पहला हम हमेशा सीधा बनाएंगे इसको ऐसे। हाफ एक बार उतार दिया, धागा अपनी तरफ किया और इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब ये दो फंदे हैं, इन दो फंदों का देखिए हमने यहाँ पे केबल चेंज करना है, तो ध्यान से देखिए, ऐसे उतारने नहीं है हमने निडल से, बैक साइड से आप इसमें निडल पे इसको आप ले लीजिएगा और इसको उतार के इस पे ले लीजिएगा। और इनको हम दोनों को उल्टा बना देंगे। इससे आगे फिर हमारा वो धागा आ गया डबल घुमाया हुआ, तो धागा पीछे करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे। इसको आपको हमेशा सीधा बनाना है, अपनी तरफ करेंगे इसको उल्टा बना देंगे। फिर से हमारे दो धागे आ गए, दो फंदे आ गए, तो फिर से हमें फ्रेंड क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये वाला फंदा, इसमें नीडल डाल के और इसको हम इस पे ले लेंगे और इसको ले लेंगे। ये आपको ऐसे ही चेंज करना है, नहीं तो सामने से हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। ये दो हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे घुमाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे, इसको उल्टा बनाएंगे। फिर से हमारे ये दो आगे हमने केबल चेंज करना है, तो बैक साइड से निडल डाल के इसको इसमें ले लीजिएगा और इसको उतार के इसको इसमें ले लीजिएगा। बहुत इजी पैटर्न है, जरा सा ध्यान देने की ज़रूरत है तो आप इसको आसानी से बना लोगे। इसको हम सीधा बनाएंगे, इसको फिर हम उल्टा बनाएंगे, इसको भी हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें फ्रेंड्स क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डिजाइन चेंज होगा, थोड़ा सा आगे का वो ही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग का एक हम बनाएंगे, यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, नहीं तो हमारे फंदे यहाँ पे, हमने यहाँ पे दो का एक करना है तो कम होते चले जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने जाली बनानी है, जब हम थर्ड रो बनाएंगे तब इस फंदे को पलट के सीधा कर लेंगे और इसको हम बना देंगे। अब ये आगे वाले वो फंदे हमारे आगे जो हमने पहले किए थे, इनको सेम वैसे ही करना, बस स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हमने दो का एक किया, फिर से हमने ऐसे डबल बार धागा घुमाया, इस फंदे को हम पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से निडल डाल के और इसको हम बना देंगे। देखिए, यही आपको पैटर्न बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से हम ये हमारे देखिए वही चार फंदे हो गए, फिर से हम दो का एक करेंगे, धागा को दो बार घुमाएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। इसको आपको हम हर बार सीधा करना है और बैक साइड से निडल डाल के और इसको हम ऐसे बना देंगे। पैटर्न वही रहेगा, यही आपको चार रो कम रिपीट करते जाना है और आपका ये सुंदर सा पैटर्न बनता चला जाएगा। लेकिन आप इस फंदे को पलटना मत भूलिए।
बैक साइड से नीडल डाल के आप इसको से बना दीजिए। ये देखिए, अब ये लास्ट में देखिए, ये हमारे दो बच गए, तो इसका हम दो का एक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर हम आके धागा करके जाली डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये डिजाइन ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे चार फंदे नहीं थे, दो फंदे थे, तो दो का हमने एक किया, तो एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया, तो जाली से हमने अपना वापस बढ़ा लिया, और एक हमारा इधर कम हुआ था तो एक हमने इधर भी बढ़ा लिया। अगर नहीं बढ़ाओगे तो इस वाली रो में आपका एक एक फंदा कम होता चला जाएगा, तो हमारा डिजाइन भी खराब हो जाएगा। तो देखिए, रोंग साइड में आपको क्या करना है, रोंग साइड में आपको वैसे ही करना है। ये फंदा देखिए हम उल्टा बना लेंगे, ये भी हम उल्टा बना लेंगे। अब ये दो फंदे हैं देखिए हमारे, इस पे फिर हमने वो ही हमने केबल चेंज करना है, तो इस वाले को हम निडल में ले लेंगे, ये देखिए, और इसको हम उतार के इसमें ले लेंगे, और इनको हम दोनों को उल्टा उल्टा बना देंगे। सेम पैटर्न है वही, फिर धागा पीछे करेंगे। ये अब हमारा डबल आ गया फंदा जो हमने डबल करके लिया था, तो इसको फ्रेंड्स आप हमेशा इसको पहले आप सीधा बनाना, धागा अपने तरफ करना, इसको आप उल्टा बनाना, फिर ऐसे ही आपने ये केबल चेंज करना है। पहले आपको निडल पे आपको ये फंदा ले लेना है, इसके बाद आप इसको उतारोगे, उतारने के बाद ये इजीली इस पे अपने आप ही आ जाएगा, फिर आप इसको लेके दोनों को उल्टा उल्टा बना दीजिए। फिर इसके आगे हमारा वही फंदा आ गया, इसको हमने सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको हमने उल्टा बनाना है, फिर से हमने केबल चेंज करना है, तो पहले ही निडल पे ये ले लेंगे, बाद में इसको उतारेंगे, और ये उल्टे उल्टे बना देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर से हमने केबल चेंज करना है, तो देखिए इसको हम इस पे ले लेंगे और इसको हम इस पे ले लेंगे, ये उल्टा बना देंगे, ये जाली का भी हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब फिर से जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी, वही रो हमारी यहाँ पे आ गई। मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक स्टिच बना लिया हमने, और इसका हम दो का एक कर देंगे, फिर हम दो बार धागा घुमाएंगे और इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। ये वही जो हमने स्टार्टिंग की थी, वही हमारी रो फिर से आ गई, क्योंकि ये हमारी फिफ्थ रो यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो मैं आप एक बार इसको स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। दो का एक करेंगे और डिजाइन भी हमारा अब ऊपर आ गया बनके, इसको हम सीधा कर देंगे, इसका हम दो का एक बना देंगे। अब ये लूज हो गए हमारे फंदे, अब ये आसानी से दो का एक हमारा हो जाता है, लूज करने की हमें अब जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसको पलट के सीधा कर देंगे और इसको हम बना लेंगे, तो हमारे ये वो चार फंदे हो गए। फिर से रिपीट करेंगे, दो का एक करेंगे, दो बार फंदा घुमाएंगे, इसको पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से निडल डाल के दो का एक कर देंगे, एज इट इज को हम बना देंगे। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन बनने लग गया। अब उल्टी तरफ से हमने वो ही करना है, हमने अपनी ये केबल चेंज करनी है, और ये जो दो हमारे हैं
इसको हमने सीधा बनाना है, इसको हमने उल्टा बनाना है, फिर ये हमने यहाँ पे केबल चेंज करनी है। तो फ्रेंड्स इन चार सिलाइयों को आप रिपीट करते जाओगे तो आपका ये सुंदर सा पैटर्न बनता चला जाएगा। और फ्रेंड्स इससे जो नेक्स्ट जो आप रो बनाओगे सीधे वाली, तो उसमें आप दोनों तरफ से आपको एक एक फंदा बना के एक फंदा स्टिच उतार के यहाँ पे आपको जाली डालनी है। वो जाली डालना आप मत भूलिएगा, नहीं तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आप ऊपर बनाते जाओगे तो ये सुंदर सा पैटर्न आपका देखिए ये बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हो, ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, और बनाना तो बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नए डिज़ाइन आपको सबसे पहले देखने को मिलें। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।